नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आने के लिए धन्यवाद, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। आज हम क्लास कर रहे हैं जी, मुन्ना ही सब कुछ है, और साथ में हम ले रहे हैं वाइब्रेशंस पार्ट टू। पिछले हफ्ते क्लास हमारी सेट नहीं हो पाई पूरी, क्योंकि लगातार क्वेश्चन चलते रहे, तो जो फर्रे बनाए थे अधूरे से रह गए। मैंने कहा चलो कुछ और एडिशन करते हैं। पीछे मुझे बताया गया कि भाई हमारे क्लास में एक बालक है, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है, क्वेश्चन पूछता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है। तो याद कीजिए अपने स्कूल के दिनों को, एक शैतान बच्चा होता था हमारी क्लास में, तो मैं ही होता था जिसने ठेका ले रखा था टीचर को परेशान करने का। तो हर समय मुझे तो घर भारी खड़ा रखते थे टीचर के, तूने तो बेटा नंबर ले ही आने हैं। एवं बस उनकी इच्छा ऐसी थी कि ये तो पास हो जाएगा, ये तो नंबर ले ही आएगा, तो फर्स्ट ही आ सकता है। फर्स्ट वैसे कभी आया नहीं, मैं जरूरत महसूस नहीं हुई, असल में आया नहीं इसलिए कहते जरूरत महसूस नहीं हुई, ऐसे बड़प्पन सा होता है, तो आया नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फर्स्ट 10 में होते थे हम हमेशा, और फर्स्ट क्लास चलते थे, लेकिन क्लास से बाहर रहते थे अक्सर। अब काम क्या करता था टीचर, लोगों को बड़ा जबरदस्त आशीर्वाद काम करता था। वो कहते थे इसने तो फर्स्ट आई जाना, इसने तो पास हो जाना, इसके नंबर आ जाएंगे, डिस्टर्ब करेगा सबको, बाहर बिठाओ। तो ये वाइब्रेशन थी, ये उन सबका आशीर्वाद था। जो जो शब्द उन्होंने कह डाले अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, वो होता चला गया। फिर मैंने, मैं शब्द बोलना पड़ रहा है, फिर एक कला जान ली कि बिना पढ़े लिखे पास कैसे होते हैं। उस पर 3 क्लासेस भी हमने की हुई है, और ये फैक्ट है। मैंने तुक्के में की थी, बच्चे पास वाकई हुए। फिर समझ आया यार तुक्के फिट होते हैं। अब ये तुक्के फिट होते हैं, सुनता कौन है? ये सुनता है हम सबका बनाया हुआ ईश्वर, जो राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे कुल देवता है, या फिर अल्लाह है, चाहे क्राइस्ट है, कोई ना कोई है जो ऊपर सुनता है। तो जो कोई हमारी सुनता है, वो कहां सुनता है? वो हमारे अंदर ही सुनता है। हमारे अंदर कैसे सुनता है? आपने देखा होगा, एक जिंदा व्यक्ति होता है और एक मरा हुआ व्यक्ति होता है। जिंदा और मरे हुए में खास फर्क होता है। मरे हुए के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता है जो जिंदा में होता है, उसे हम आम तौर पे आत्मा कहते हैं। भैया वो बिना पढ़े लिखे पास होने वाली क्लासेस के नाम बता दीजिए ना। वो क्लासेस हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ब्रेन्स, किड्स डू नॉट नीड स्टडीज फॉर सक्सेस इन लाइफ, और हाउ टू, सत्यवान अगला क्या नाम था, हाउ टू गेट गुड मार्क्स विदाउट स्टडिंग हार्ड, ऐसे ही कुछ है वो भी। ठीक है, उसको सिर्फ फॉलो करना है, आप हो जाएंगे ऐसे, बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बनने की भी क्लासेस हैं। नहीं वो मतलब हमारे सुनने जो गए ना, बच्चों को सुनाने पड़ेंगे। ओ यार, इसमें मम्मी चाहिए और बच्चे चाहिए, आप जरूर चाहिए, क्योंकि बिना मम्मी के बच्चे पास नहीं होंगे। मम्मी बहुत जरूरी है। मम्मी क्यों चाहिए, इस पर क्लास है हमारी, मालिक को नौकर रख लो। मम्मी सबसे बड़ी ताकत है धरती पे, पापा पापा तो ऐसे है टाइम पास है, काम चलाओ, ऐवे पाल के रखो, एक बंदा सा ऐसे पल कुछ जाते हैं फ्री पल। इस पर क्लास लॉइन की हुई है हमने, वैसे हर चीज पे कोई क्लास है, ऐवे तुक्के मारना, बाकी इज्जत रख लेना। ये आत्मा होती है जो हमारे अंदर होती है और चली जाती है, तो हम मृत कहते हैं। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा ब्रह्मांड से कनेक्शन का एक जरिया है। जो ऊपर वाला कहीं रहता है, कहीं रहता है ऊपर वाला कहते हैं, वैसे ऊपर वाला क्या होता है, ये हमारा सबसे ऊपर का हिस्सा है, यहां ऊपर वाला रहता है। तो जब हमारा खोपड़ा या दिमाग उत्तर नहीं ढूंढ पाता, तो हम कहते हैं यार ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब हम ऊपर वाले किस पे छोड़ते हैं? छोड़ना, छोड़ते क्यों है इस पे? ये आत्मा जो होती है ना, इसमें मन होता है, और आप सबने देखा होगा सबके पास एक मन है, और मन में जो विचार आते हैं ना, वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। मन में विचार बाहर से आते हैं, कहीं से, अंतरिक्ष से आते हैं, कहां से आते हैं पता नहीं। हम बैठे रहते हैं यूं ही, खोपड़ी में कुछ चल रहा है, इसका मतलब मन कोई और है। कभी कभी हम कहते हैं ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा, यानी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये मुझे पता भी है, यानी दिमाग कोई और है। इसका हमने नाम दिया है मुन्ना। ये हमारे शरीर के, हमारे जीवन के अंदर भयंकर रूप से काम करता है, और ये सर्वशक्तिमान है। सब कुछ यही है हमारे जीवन में, खुशी, दुख, प्रेम, पश्चाताप, हंसना, रोना, सब कुछ इसके पास है। इसके बिना मनुष्य शरीर ऑन नहीं हो सकता। ये हमारे शरीर का सिर का हिस्सा, और रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड चलती है, इतना होता है मात्र, बाकी पेट, वेट, पैर, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इतना होता है। इसके पास पिछला हिस्सा होता है सिर का, जैसे एक व्यक्ति का सिर ऐसा बना होता है, ये नाक है, तो ये जो होता है इसका, ये इतने को पकड़ता है लगभग, और ये आगे का 40% फालतू होता है। आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं, उनका सिर यहां से ऐसे होता है पीछे की ओर,
नाक आगे होती है, कुत्ते का मुंह ऐसे होता है, शेर बेर के भी ऐसे थोड़ा निकला होता है, तो क्रोकोडाइल होता है घड़ियाल, जिसका मगरमच्छ का मुंह बहुत ऐसा होता है, तो उसका क्या होता है, वो पूरा हड्डी समेत खा जाता है जानवर को। जो शेर होता है उसका थोड़ा होता है, कुत्ते का थोड़ा होता है, घड़ियाल का इतना बड़ा होता है, शेर का इतना होता है, तो वो मांस मांस छील छील के खा लेता है, हड्डी वड्डी छायक छोड़ देता है या खराब चीज छोड़ता है। हम मनुष्यों का ये चपटा है, हमें और दिमाग है, हम उसको गर्म करते हैं, पकाते हैं, सेट करते हैं, खेती भी कर लेते हैं, हम तो नॉन वेज खाएं वेज खाएं, ये लड़ाई इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा खोपड़ी है, हम इतने ज्ञानी है, इतनी बुद्धि है कि हम वेज खाना भी पका लेते हैं, जानवर को आता नहीं। तो ये जो पिछला हिस्सा है ये खोपड़ी होती है मुन्ना, इसके पास हमारा नसीब होता है, 12% हिस्सा होता है हमारे जीवन का, और हमारे जीवन में जो जो भी नसीब में होता है वो हमारे जीवन का 12% हिस्सा है, और ये हमारे पूरे जीवन को चला देता है। यानी कि मुन्ना जो मन है ये हमारी खोपड़ी के इस हिस्से में काम करता है, और यही ऊपर वाला भी काम करता है, और यही विचार भी आते हैं। सारे विचार जितने हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपने खुद देखा होगा, पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे हैं, पूजा पाठ करने बैठे कोई विचार आ रहा है, यार कौन सोच रहा है, कितनी बार हम कहते हैं ये तो मैं सोचने का मतलब मौत हो जाए, सोचने नहीं चाहता, लेकिन चल रहा है। कितनी बार एक गाना चल रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, यार ये कौन दिखाता है सपने हमें। ये बड़ी हकीकती तौर पे परेशान होने वाली बात है कि हमें ये सपने कौन दिखाता है। सर लेकिन ये सारे विचार अप्लाई भी होते हैं कुछ कभी कभार, जैसे कुछ कुछ इन्होंने पूछा सारे विचार क्या ये अप्लाई भी होते हैं कभी कभार या कुछ कुछ होते हैं। मजे की बात है ये जो मुन्ना हमारे अंदर बैठा है जिसने नसीब के थ्रू हमसे कुछ कराना है, ये विचार देता रहता है और इंतजार करता रहता है कि बाकी का बचा हुआ शरीर उस विचार को पकड़ता है कि नहीं। अगर हमने किसी विचार को पकड़ लिया तो हमारे शरीर में ना पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कई बार कहते हैं ना डर के मारे पेट में हॉल खुल गया, पीवीआर खुल गया या कोई भी खुल गया, सत्यम वगैरह कई आईनॉक्स, तो कहते हैं हॉल सा पड़ गया पेट में, तो क्या होता है गुटरगू हो जाती है, बॉडी उस विचार को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसको मशीन में डाल के प्रोसेस करती है और महसूस कर लेते हैं। जैसे कि आप खाने की दुकानों के आसपास से जा रहे हैं, आपने समोसा देखा, आपने कहा कोई बात नहीं, फिर चाउमीन देखे बोले कोई बात नहीं, अचानक दिख गया रसगुल्ला और आपके जबान ने कहा हम, अब ये पेट में बॉडी, आपने उस विचार को बॉडी दे दी और आपने अचानक से महसूस कर लिया यार मजा आ गया, आप फिर बॉडी लेकर गए, आपने रसगुल्ला खरीदा और खा लिया, बाकियों पे ध्यान नहीं दिया। एक मम्मी पापा के 3 बच्चे होते हैं, एक बच्चे पे बड़ा ध्यान दे देते हैं वो, 2 बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। तो आपने किस विचार पे ध्यान दे दिया वो मुद्दा है। विचार लगातार मुन्ना फेंकता रहता है खुशी के दुख के उल जुलूल। आप यूं समझें जो संत होता है वो सब विचार जानता है और वो शरीर नहीं देता उसे, वो कहता है ऐसी की तैसी दे, मैं जानता हूं मेरे मन तू पागल कर देगा मुझे, तू मुझे दुनिया में दूसरे की चीजें, दूसरे का सामान, दूसरे का घर, दूसरे की स्त्री, दूसरे के बच्चे दिखा दिखा के पागल कर देगा, मैंने नहीं होना। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी समय ये फंसा लेता है। फंसाने के बाद इंसान कहते ना मोह में अंधा हो गया, प्रेम में पागल हो गया, अहंकार में क्रोधी हो गया, ये सब इसलिए क्योंकि उस विचार पे हम ध्यान दे देते हैं। ध्यान दीजिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया, हम ध्यान दे देते हैं। हम में क्या होता है, एक होता है ईश्वर की चेतना, क्योंकि इसने ही मुन्ना को ताकत दे रखी है। यह हमारे शरीर के अंदर होती है 6% और शरीर होता है 72%। ये सारे और साथ में बैटरी होती है ईश्वर की अग्नि तत्व, ये 4% होता है और भी बहुत कुछ होता है, पर ये हम है। हम सारे मिलके ना मुन्ना की सुन लेते हैं। अच्छा मुन्ना की सुननी क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि मुन्ना ने जन्म लेने से ठीक पहले ईश्वर से जो अपने बिना शरीर के साथ प्रार्थना में मांगा है वो ये मांगा है कि पिछले जन्म पिछले समय में मेरा ये लेना और देना रह गया है, हे प्रभु मुझे जन्म दो। तो प्रकृति, हम इसे प्रभु कहें प्रकृति कहें, अपने आप ऐसे हालात बनाती है, किसी को कुत्ता बना देती है, किसी को कबूतर, कोई मगरमच्छ बनता है, कोई मनुष्य बन जाता है, कोई मनुष्य की खाल में मगरमच्छ बन जाता है, कोई कुत्ते के शक्ल के अंदर परिवार का वफादार बन जाता है। बड़े अजीब तरीके हैं लेन देन के। इस लेन और देन का हिसाब किताब ऊपर कोई रखता है परमात्मा, और वो जो परमात्मा है वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। अब वो परमात्मा काम कैसे करता है, उसका सीधा सा असूल है कि यार तुझे ना मैंने लेन देन के लिए जन्म दिया है, मांगे राम को जन्म मिल गया,
मांगेराम को अपने जीवन के अंदर क्या करना है 80 साल की जिंदगी में, पहले उसे ए करना है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ऐसे बहुत सारे हम और लिखते हैं, ये उसके जीवन में घटनाएं हैं। भाई कोई मिलेगा, कोई भाई बन के मिलेगा, लेकिन उससे लेन देन नहीं। तो भगवान के पास इतना टाइम है जी, वो सबका हिसाब रखता है। इन्होंने पूछा भगवान के पास इतना टाइम है जी, सबका हिसाब रखता है। टाइम, ये जो टाइम शब्द है ना, समय, यही ईश्वर है। कहते हैं टाइम पे छोड़ दो, शब्द है अलग अलग, समय पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। छोड़ दोगे ना तो अपने आप कोई काम करता है, पकड़ के रखोगे वो बैठा रहेगा। मैं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, हाँ लड़ ले, मर ले, जुआ खेलेंगे सारे दृष्टिर कौरवों के साथ। भाई पांडवों ने युद्ध करने से पहले जुआ लड़ी, जुआ की लड़ाई कहेंगे उस, और उस लड़ाई में वो हार गए। तो भगवान कोने पे खड़े रहे, क्योंकि युधिष्ठिर की पूर्ण इच्छा थी कि कृष्ण को पता ना चले। कृष्ण जी बैठे रहे, कोई बात नहीं, नहीं आऊंगा भाई, चेतना है, अकल है, दिमाग। जब अर्जुन ने नपुंसकता की कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, तो बोले भाई लड़, मर, कर कुछ तो, कर, करेगा तब होगा ना, कर्म कर, बाकी फल मैं दूंगा। तो छोड़ दिया अर्जुन ने, छोड़ दिया द्रौपदी ने, छोड़ दिया उसका वस्त्र हरण हो रहा है। जब छोड़ दोगे तब ठीक होगा। हम बच्चे को समझाते रहते, मान जा मान जा मान जा, वो कहता मम्मी सद्दी और लाके दो, पतंग उड़ानी है, मान जा आगे बांधूंगा, सद्दी पीछे, उसको छोड़ दो, मरने दो, कहते हैं इसे मरने दो। जैसे ही हम वो करना सीखते हैं तब ईश्वर काम पे लगता है। कृष्ण तब काम करेगा जब अर्जुन बनोगे, नहीं तो वो सबके लिए कर लेता। औरों की क्यों नहीं सुनी, कृष्ण ने भीष्म की क्यों नहीं सुनी। ये प्रकृति ने हालात देने, अपना एक सगा भाई बनाना, लेकिन उससे लेन देन ही नहीं है, उसे दफा कर देगा। माता पिता है, पिता से लेन देन है, पिता गुजर जाएगा। बच्चे को किसी और से लेन देन है, वो बाहर निकल जाएगा। और हम खींच रहे, घसीट रहे, हाय मेरा बच्चा तू कहां जा रहा है। शरीर तक ने उस बच्चे को छोड़ दिया है, लेकिन हम पीछे पड़े हुए हैं। अब उसकी मांगेराम की टाइमलाइन है, सिस्टम है उसका। मांगेराम की लाइफ में पहले ए होगा, फिर एच होगा, फिर डी होगा, फिर जे, एल और एफ। ये हो गया ए एच डी जे एफ एल। ओके, हाँ जी सर, आपने बताया कि जैसे अर्जुन ने छोड़ा था, लेकिन पास्ट में धर्म की स्थापना के लिए और जैसे जो विधि का विधान बनाने के लिए ये सब तो पहले रचा गया था ना, तो ये तो फिक्स था पहले से, तो ये तो मतलब उसको मालूम ही था कि अर्जुन ही छोड़ेगा, तभी धर्म की स्थापना तो ऐसे ही हुई है ना सर। इन्होंने बोला कि कृष्ण को तो पहले ही पता था कि भाई अर्जुन ही छोड़ेगा, और धर्म वर्म की वर्म भी डाल दी इन्होंने, बीच में कीड़े भी डाल दिए। धर्म वर्म की स्थापना जो है वो होनी ही पता थी उनको। तो कृष्ण की बात नहीं कर रहे आज हम, कृष्ण को तो सारा कुछ पता ही है। तो कृष्ण को पता होता है, मकसद बता रहा हूं, कृष्ण हमारे अंदर भी, हमें भी सब पता होता है। ये जो 6% लगा रखा है ना, ये कृष्ण की ही चेतना है हमारे अंदर, ये भी पता होता है। और धर्म की स्थापना के चक्कर में मत पड़ो, कृष्ण बहुत चालू था, उसे सब नहीं पता था। उसे पता था कि बस जीतना है, कैसे जीतना है, भाड़ में जाए, जैसे हम इसको एडिट कर देंगे, ये खराब है, वो खराब है। हमारी लड़ाई इसमें नहीं है हमारा राजा खराब है, हमारी लड़ाई इसमें है कौन कम खराब है। जैसे बच्चा घर में जानता है मम्मी है तो चुड़ैल, लेकिन बाप पूरा राक्षस है, तो पहले मम्मी से बात करता है कि ये कम खतरनाक है। बाप के पास कहता है ये तो बहुत बड़ा कुत्ता काट खाएगा, तो मम्मी के थ्रू जाता है बच्चा। छोटे बच्चों को भी अकल होती है, कम राक्षस के पास जाओ। हम सहते हैं रिश्तों को, भाई भाई सहते हैं, पति पत्नी सहते हैं, पति सहते हैं, पत्नी सहते हैं, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, सब सहते हैं। और हर कोई इसी में परेशान है कि यार बड़ा वाला कुत्ता कौन, हमारा किस चीज में कम घाटा है, हम वो करते हैं, फायदा फूदा कुछ नहीं होता। सुख जैसी कोई चीज इस धरती पे नहीं है, जो कम से कम दुखी है वो सुखी है, बोले हम बड़े सुखी हैं, झूठ बोलता है। हाँ जी, जो आनंद में है, सुख दुख ही परे है। इन्होंने बोला जो आनंद में है उसके लिए तो सुख दुख परे है, जो आनंद में है वो महास्वार्थी है, मैं शब्द यूज करूंगा, महाकमीना है, उसे किसी से लेना देना नहीं है। जहां साला वो यार रिश्तेदार आ गए, जहां साले दुनिया को दफा कर दोगे ना, वहां आपके जीवन से दुख सुख गायब हो जाएंगे, दुख और सुख गायब हो जाएंगे। दुआ बद्दुआ भी आ जाती है, उसको फर्क नहीं है। दुआ बद्दुआ भी सोच से है, क्योंकि लगी तो लग गई, अदरवाइज है ही नहीं। नहीं, जो महास्वार्थी और महाकमीने वाली लाइन है, तो उसमें तो उसको जैसे कृष्ण को भी लास्ट में उसने किसने दिया था, श्राप दिया था, तो वो भी एक्सेप्ट था, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। असल में कृष्ण को जो श्राप मिला, इन्होंने बोला कृष्ण को श्राप मिला लास्ट में, उन्होंने वो भी ले लिया। कृष्ण जानते हैं लीला है, हम ले रहे हैं दे रहे हैं, जब इससे ऊपर उठ जाएंगे तो हम इस मुन्ना को जेब में लेके घूमेंगे। और क्या है, मरना है, हाय मरना है, तो डरना क्यों है, ये डरा भी मन रहा है।
शाश्वत सत्य है जीवन का, हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है मृत्यु, कि वहां पहुंचना है। बीच का सफर कैसे गया? रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होती है, यूं जाती है, लोग कदा नीचे जाते कदा, फिर ऊपर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, वो एंड होनी है एक दिन। आपको उस एंड से पहले कितना मौज करनी है ये शिक्षा मात्र है। अगर वो आ गई बढ़िया, नहीं तो बुढ़िया। इसलिए आनंद करना सीखो जितनी जल्दी सीख सकते हो। आनंद मीन्स महास्वार्थी, स्वार्थी का मतलब है सिर्फ सिर्फ स्वयं से अर्थ रखा, किसी से कोई लेना देना नहीं है, इतने निर्मोही बन गए, किसी से लेना देना नहीं है। आपके पास आके किसी ने आपकी बेइज्जती करी और आपकी हो गई, वो जीत गया। आप इतने जैसे मजे की बात है, अब किसी को कुछ बोलो वो एक सेकंड में आग लगा के गाली बक दे, बड़ी मजे की बात है। आप हैरान हो के सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मोदी अमित शाह ये ऐसे घायल शेर कहो कि जीवित शेर है, इनको कोई कुछ भी कह रहा है कोई कमेंट ही नहीं आता, अब कुछ कमेंट ही नहीं करते, पलट के कुछ बोला ही नहीं। अगर ये गलत है तो भी ये इतने पक्के हैं ये जीतेंगे। आप कॉन्शियसनेस को सोचें, चेतना को सोचो ना, फर्क ही नहीं है। हमें इतनी जल्दी फर्क पड़ जाता है, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, दूसरे ने नजर भर के देखा और शुरू, हमारे मन का क्या हाल है। मन बैठा है एक टेबल पे रेस्टोरेंट में और सामने एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी है, अंदर कॉफी पी रहे हैं, मजे में वो बैठी है, शायद किसी का इंतजार कर रही हो, कुछ हो। मन कहता है देख देख लिए, देखा उसने एक नजर भर के देखा, तुझे आई तो है, देखी सोचा तो है तो सुंदर यार, अच्छी लग रही है, जाना बात कर ले। अंदर से ये 6% है या 12 है, ये 12 जीतता है हमेशा, 6% कहता है छोड़ना क्या फायदा, पता नहीं शायद किसी के लिए आई हो, किसी का इंतजार हो, कुछ पता नहीं क्या स्थिति है, छोड़ यार पंगे पड़ जाएंगे, कुछ होगा। फिर ये कहता है अच्छा मैं क्या बावला है यार, है कितनी सुंदर जुई चावला है यार, चल उठ। अब वो बंदा खड़ा हो जाता है, बॉडी लेकर 72% साथ ले लिया, ब्रीदिंग ले ली, बैटरी ले ली, चले गए। बोले सुनिए मैं काफी देर से आपको यहां देख रहा हूं, आप वो ऐसे गर्दन घुमा के कहती है हाँ भैया बोलो। अब मन कहता है उफ यार सारे सपने धराशायी हो गए, बेकार ही उठे, उठाता भी वही है, रोलाता भी वही है, पहुंचाता भी वही है, माथा भी वही फोड़ता है, सारा खेल इसका है। फिर वो कहता है ओ सॉरी मेरी ना वो भोपाल वाली बुआ जी हैं, उनकी बिटिया जैसी लग रहे थे मैंने, शायद कहीं आप वो तो नहीं। ठीक है ये भी तो हो सकता है कि वो नसीब में मिलना लिखा हो, इसी तरीके से मिलना है। इन्होंने बोला है कि ये भी तो हो सकता है कि नसीब में ऐसे मिलना लिखा हो, बहुत प्यारी बात है। मान के चलिए उससे मिलना लिखा है तो ये गारंटी है कि आपको अपने आप ही मिलना पड़ेगा। जीवन ऐसा विचित्र है, मुन्ना भाग्य इतना नसीब का पक्का है कि आपकी वहां शादी करा देता है जहां आपने सोचा भी ना हो, और आप सोते रोते जागते यही कहते हैं हाय दर्दे दिल, प्यार कहीं किया था, इकरार कहीं और हो गया। आपने करना कौन सा बिजनेस होता है, आप कोई कर लेते हैं। हम ना माँ बाप चुन सकते, ना भाई बहन, ना पति पत्नी, पता नहीं कौन चुन रहा है। जिनसे मिलना है उनसे मिलना ही पड़ता है, जिनसे बिछड़ना है उनसे बिछड़ना ही पड़ता है। ये जो बेबसी है इसे बेबसी ना समझें, ये माया है, ये मुन्ना का माया जाल है। मजे की बात होती है, मुन्ना के पास ये सर्किट होता है AHDJFN, ये काम उसने करने हैं, ये ईश्वर ने परमात्मा ने उसे दे दिए। अब जब जन्म ले लेता है तो क्या होता है, छोटे बच्चों को आप ले जाएं, पापा मुझे एक हॉर्स दिला दो, एक मुझे वो टेडी बियर दिला दो, मैं बस मैं हैप्पी हो जाऊंगा। चल बेटा उंगली पकड़ी, चलो मेरे बच्चे, ले चले उसे दुकान पे, ले गए टॉय शॉप पे। अब काहे का टेडी बियर और काहे का हॉर्स, वहां आप जाने के बाद उसे सारी दुकान चाहिए, सारे वायदे गए ऐसी की तैसी में। जब जीवन में मुन्ना को शरीर मिल जाता है, इसको 12% को शरीर मिल जाता है, पागल हो जाता है, कहता है ले ये तो बहुत बड़ी दुकान है, अब दो से काम ना चलेगा। संत कौन है, ज्ञानी कौन है, जिसने जान लिया शुरू में दो ही मांगे थे, दो ही चाहिए, दो ही काफी है। वो दो क्यों मांगे थे, क्योंकि वो दो ही मिलने थे। वो दो क्यों आए दिमाग में, क्योंकि वही देन लेन है जीवन का। लेकिन जब दुकान पे पहुंचे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपको चलते फिरते कोई भी कह देता है भाई सुन इधर यार तू ये वाला काम कर, नोट छपेंगे, हाँ यार इसमें नोट छपेंगे, फिर कहीं और जाते हैं शाम को, वो कहीं और नोट छपाता है। ऐसी ऐसी टकसाले लगा रखी है लोगों ने, हर कोई मशीन लेके चल रहा है, ये काम कर ले नोट छपेंगे। आप जानो आपकी खोपड़ी में कौन सा आया था, करोगे वही। ऐसे ही जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे ए बी सी डी ई एफ सारे चाहिए। अब ईश्वर का बड़ा मजेदार तरीका है, ईश्वर कहता है मुन्ना बेटा रास्ते से भटक रहे हो, बेटा बॉडी को कहां ले जा रहे हो, ऐसा मत करो। जैसे एक बच्चे को पिता कहता है
बेटा ऐसा करना है तुम्हें 10 बजे ये करना है, फिर 12 बजे ये, फिर ना वहां पर जाके टॉय से खेलना है, फिर तुम्हें टीवी 1 घंटा देखने देंगे, फिर तुम्हारी ट्यूशन है। हो गया जी, रूल बुक हो गई। अब बच्चे को देखता है पापा के यार ये ना 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया इसको। फिर वो कहता है बेटा ऐसा नहीं करते, स्टेप वन। फिर पता लगा 1/2 घंटे में पापा फिर आया, बच्चा अभी भी लगा हुआ अपने जुगाड़ से कॉमिक रख के पढ़ रहा है साइंस की किताब में। पापा फिर कहते हैं तेरी समझ नहीं आती, दिमाग खराब है तेरा, खूब डांट पड़ती है। फिर वो रख देता है जी उनके जाने के बाद। फिर कहता है 2 पेज की तो बची है कॉमिक, पूरी करी लूं, अब ना रुका जा रहा। वो पट से फिर खसा देता है और रजाई के अंदर घुस जाता है, टॉर्च लेके बैठ जाता है। अपनी तरफ से तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बिल्ली मुझे नहीं देख रही, लेकिन बिल्ली तो देख रही है। अब वो पहाड़ सा बना के रजाई के बैठ गया अंदर टॉर्च लगा के। पापा को पता नहीं है कि अंदर क्या कर रहा है। पापा आते हैं, रजाई हटाई और एक तमाचा घुमा के। स्टेप 3, प्रकृति क्या करती है, हम ऐसे जा रहे हैं AHDF जाना है। हम पहला स्टेप हुआ, अब हम H की बजाय C पे चले गए। अचानक से कुछ झटका लगता है, कहीं जाते आते हमारे पैर में चोट लग जाती है, कहीं कुछ छोटा मोटा हिसाब बन जाता है, पीछे से कोई टोक देता है, हिंदुस्तानियों के लिए बिल्ली रास्ता काट देती है, कुछ हो जाता है यार। हम कहते हैं यार कुछ अपशकुन सा हुआ, कुछ पता नहीं यार, लेकिन जाना तो है। अब हम सी की ओर चल पड़े, नहीं मान रहे, हो ही नहीं रहा है। रस्ते में भगवान ने फोन दिलवा दिया, मौसा जी का फलाना ढिमकाना हो गया है, मत जा, रुक जा, रात ठहर जा रे चंदा, लेकिन वो आंखों का अंधा अभी भी चला हुआ है। अब तीसरे में क्या होता, सीधा एक्सीडेंट हो जाता है। स्टेप 3 पे प्रकृति मुन्ना का सही रास्ता करेक्ट करने के लिए गाड़ी ठुकवा देती है, एक नया फोन आ जाता है कि तुम्हारा घाटा हो गया, कोई नई कहानी बन जाती है बीच रस्ते में, पत्नी को लव लेटर पता लग जाता है हस्बैंड का, वो वापस बुला लेती है, कुछ हो जाता है और वो वापस H पे आ जाता है। आपको जब भी जिंदगी पीट पीट कर कहीं ले जा रही है, समझो यार पापा को पता है मैं कॉमिक पढ़ रहा हूं, मुझे जहां जाना तमीज से चले जाओ। हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, हमें कहीं पहुंचना है लेकिन चॉइस करनी है, नहीं ये वाला नहीं वो वाला लेंगे। अच्छा वो वाला लेने के बाद फिर रोते हैं, जैसे वो जाता है ना, फिर वो अचानक कहती है हाँ जी भैया बोलो क्या कह रहे हो, ऐसे जाके फिर रोते भी हैं कई बार बाद में। हम पहली बार में ही ईश्वर के आगे सरेंडर क्यों नहीं करते, मन बड़ा चंचल है, ये लड़वाता है, सपने दिखाता है, यही पैसा दिलवाता है, यही उड़वाता है, यही मौज कराता है, यही रुलाता है, ये पड़ोसी से झगड़ा कराता है, ये भाई बहन से झगड़ा कराता है, ये दान कराता है, ये अहंकार कराता है। जो जो अपने जीवन में हम कर रहे हैं वो मजे की बात है, हमारा मन करवा रहा है। लेकिन वो डेफिनेट कैसे है कि A के बाद में H है, C नहीं है? इन्होंने पूछा कि डेफिनेट कैसे है कि A के बाद H है, C नहीं है? आप ये गांठ बांध लीजिए आपके जीवन में, आप अपने आप ही पिछले 10 साल में पता नहीं कौन से घर में पहुंचे, कौन सी गाड़ी खरीदी है, कौन सा क्या हुआ है, सारा दिन कुछ अनियंत्रित सा जीवन चल रहा है। ये सत्य है कि आपको 24 घंटे का भी पता नहीं है अगले पल क्या करोगे, अगले पल का भी पता नहीं है। अगर अगले पल का कुछ हो रहा है तो भी मुन्ना कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई विचार कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखूं, मतलब बार बार एक चीज सोच रहा हूं, क्या वो विचार पूरा नहीं होगा? इन्होंने बोला बड़ी प्यारी बात है कि जो विचार मैं लगातार मन में रखूं तो क्या वो पूरा नहीं होगा? विचार विचार है मुन्ना के पास। हमारी जो पेट होती है तोंदुमल, ये नाभि है हमारी, इसके पास होते हैं इमोशंस। इमोशन का मतलब समझिए एनर्जी। एनर्जी क्या है? प्रकृति, जो मोशन, जो मूव करी, मूव की, यानी किसी विचार से हमारे अंदर गुड़गुड़ हुई कि नहीं, अच्छे वाली हुई चाहे बुरे वाली हुई, जब तक नहीं हुई वो विचार आएगा और भाग जाएगा, वो काम कभी नहीं होगा इस जमीन पर। उसके बारे में शुरुआत हो जाएगी कि भाई 50% हो जाएगा। जिनके पास इमोशन बन जाती है, पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, विचार आ जाता है, दिल की धड़कन खड़खड़ खड़खड़ हो जाती है या डूब जाती है, तो वो लोग इमोशन जनरेट कर लेते हैं शरीर से, और जनरेट करने के बाद उनका वो काम 50, 60, 70, 90 हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं बस हो ही गया था जी, बस एक पैसे से रह गया, पीछे हो गया। अब वो 100 करने के लिए क्या चाहिए? पूरे शरीर की फीलिंग, पूरा शरीर फील करेगा, महसूस। जिस विचार को आपने महसूस नहीं किया वो विचार कभी पूरा नहीं होगा। महसूस कैसे करते हैं, यहां वापस लेंगे हम, ये जुड़ा हुई बात है। हाँ जी, जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग तो मिनट में आंसू मतलब बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। बहुत सुंदर बात है कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में है वो तो बहुत अच्छा फील कर लेते हैं, यही महसूस करना है। आपका बच्चा है, छोटे बच्चे थे ना, कैसे आपको बुद्धू बनाते थे, सचमुच रो लेते हैं, मम्मी पापा ने ये नहीं किया।
काम हो गया यानी कांस्टेंट की जगह ना कोई इमोशन अभी नहीं लेवल पे ना अभी अभी नहीं। अगर आप अभी नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ एग्जांपल है, मान लो आपको बहुत गुस्सा आता है, परेशान है यार बड़ा गुस्सा आता है मुझमें और आपको पता भी है, अब आपके अंदर जो 6% ज्ञान है वो जान गया बड़ा गुस्सा आता है मेरे में आग लग जाती है। अच्छा आपका मन गुस्सा दिला देता है, उसके मन के मुताबिक काम नहीं होता तो वो गुस्सा दिलाता है, उसको चाहिए बी सी लेकिन हो रहा है एच जे क्यू। अब वो लड़ता है क्रोध करता है इंसान ऐसा क्यों हो रहा है और सिर फोड़ देता है, 2 घंटे बाद कहता है यार गुस्सा करके रहा हूं मैं, बेकार में गुस्सा कर रहा हूं, इसका कोई जरूरत थी मुझे, कोई जरूरत नहीं थी लेकिन यार रुका नहीं जाता। तो क्या करें, आपने देखना है मुन्ना मन क्रोध करता है, आदत है उसकी और आपसे काबू नहीं हो रहा, आप चाहते नहीं करना लेकिन जब उसके काबू होते हैं तो कर बैठते हैं, ऐसे आप लालच कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, दूसरे को भला बुरा कह देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो क्या करना है, आपने अकेले कमरे में बैठना है और ना नकली गुस्सा करना है। अब आपने कैसे करना है नकली गुस्सा, आपने इमेजिन कर लेना है सामने एक तकिया है, उसके पास उसका कोई नाम दे दो, कुछ भी, सास रख लो, बहू रख लो, सबसे आसान है स्त्रियों के लिए पति रख लो, और वो कपड़े कूटने वाली वो ले लो थपा की, ठीक है, ऐसे रखो उसको इधर इधर अच्छे इधर ठीक रहेगी, यहाँ ठीक क्योंकि यहां से टेढ़ी जाएगी, यहां रख लो उसको ठीक, जैसे गदाधारी भीम, हनुमान बनने की जरूरत नहीं, मुश्किल होगा बात नहीं कर पाए, ठीक है, अब गदाधारी भीम बन गए, तो तकिया रख लिया सामने, ऐ गुले गुलजार अब मुझे गुस्सा करना है, अब आप यादों में जाओ, थॉट्स, मुन्ना के पास सारी मेमोरीज है, सारी यादें, आप यादों में जाओ, ये किया था इसने, ये किया था, आग लग रही है, धीरे धीरे लगाओ कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है लगाए जाओ। अच्छा इसमें स्पेसिफिक क्या है, मुठ्ठियां भींचनी है, आपका क्रोध जब आएगा और मुट्ठी नहीं भींचेगी तो यार क्रोध नहीं हो पाएगा, तो क्रोध करते हो मुट्ठी भींचनी है, दांत पीसने, ठीक है, क्रोध की ऊर्जा इकट्ठी हो रही है आपके अंदर, एक ऊर्जा है जो यूं निकलती है, ऐसे करते हैं ना गुस्सा, ऐसे कोई गुस्सा थोड़ी करता है, कैसे हो सैया, ठीक है, गुस्सा आपका क्रोध वाला होता है, तो आप जब करते हैं तो फूल गुलाब का निचोड़ देते हैं लाइक दैट, तो आप कर रहे हैं इकट्ठा कलेक्ट मोर कलेक्शन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उस अभिनय को किया, अब आपने उस ऊर्जा को इस थपाकी पे सारा इकट्ठा कर लिया और दे धमाधम, जितने मारने मार लो। पहले सत्य की बात है, स्त्रियां घर में कपड़े धोती थी, थपाकी से और क्रोधी निकलती थी, कहते थे बड़ी बड़ी अच्छी है, वो बड़ी अच्छी नहीं है, वो सारा धोके आई है बात है, वो निकाल गया ये क्रोध, क्रोध स्त्री में ना हो ये कोई बात है यार, वो भी इंसान है उसे भी करने दो, करने नहीं देते, आदमी इतने जालिम है उससे भी तेज चिल्लाते हैं, वो बेचारी कहां जाके मरे, इसलिए वो बच्चे कूट देती है फिर उस मूछ वाले से बच्चे पिटवाती है। तो अब ये थपाकी ली, खूब कूटा आपने, आप जब असली में समय आएगा मुंड का, उसके पास कलेक्टिव ऊर्जा नहीं है। मजे की बात है, अगली बार जब ऐसी स्थिति होगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार मुझे क्रोध आ रहा है, ऑब्जर्व किसने किया, 6% ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे थोड़ी पता होगा कि पहले हमें पता हो किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इसको इस तरह मान के चलिए, आपको दोपहर को लंच करना है, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, आपने बीच में भी कुछ खा लिया, आपका लंच अपने आप घट जाएगा या गायब हो जाएगा, ये सत्य मान के चलिए, ये ऊर्जा का खेल है, आपने अपनी ऊर्जा को पहले एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, आप एक्स्ट्रा गुस्सा कर बैठे, आपने जेन्युइनली जानबूझ के ड्रामेबाजी में एक्स्ट्रा गुस्सा कर लिया, आप गुस्से के समय बुद्धिमान होंगे, या 6% बुद्धि चल रही होगी और वो बताएगी गुस्सा आ रहा है तुझे, और आप करेंगे नहीं, आप सच में नहीं करेंगे, आज एक्सरसाइज करके देख लो ना, पहले नकली लड़ाई कर लो मन में पति पत्नी, फिर सामने बैठ के असली कर लो, किसी को गुस्सा नहीं आएगा, हर घंटे ज्ञानी बनाए जब सचमुच में गुस्सा आए तभी तो नौटंकी का गुस्सा हो सकता है, जब आपको सच में गुस्सा आए पता लग जाएगी जब आपको सच में गुस्सा आएगा तो आप करोगे, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको पता होगा यहाँ गुस्सा करके ड्रामा कर लेते हैं, बच्चा काबू हो जाएगा, आपको पता है, आप पता है कि बाद कभी गुस्सा, आप पता के बाद कभी क्लेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता होता है इस 6% ज्ञान को, ये स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि मुन्ना ही सब कुछ है, मन में आ गया आदमी पागल हो जाता है, ये मन रहता कहाँ है, हमारे पास शरीर है, ये हमारा बाहरी शरीर है, महसूस करना प्रीलिव करने जैसा हो गया, महसूस करना इन्होंने बोला प्रीलिव करने जैसा हो गया, ये अभी याद दिलाना, ये बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चला जाएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महसूस होता फील करना प्रीलिव करना, इस पर पूरी क्लास की हुई है वैसे,
और है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा शरीर हो गया आधा बनाया मैंने, एक हाथ है, खैर वैर नहीं बनाया पर कल्पना कर ले, बाकी सब मुंडा कल्पना कर लेगा। ये हमारा बाहर का शरीर है, ठीक है जी, ये हमारी खाल है त्वचा, जिसको संतूर साबुन से निलाने के बाद हमारी उम्र का पता नहीं चलता, ठीक है। त्वचा ये फील है, ये त्वचा क्या है, एपिडर्मल लेयर, ये हमारे शरीर को अंदर तक फीलिंग कराता है बाहर जो जो हो रहा है, हमारे अंदर वाइब्रेशंस होती है ना जितनी, वो वाइब्रेशंस ये शरीर फेंकता है, मुन्ना और वाइब्रेशन दोनों का इकट्ठा ले रहे हैं हम, हमारे कोई भी वाइब्रेशन आती है ये स्किन पूरी रीड कर लेती है। आप किसी कमरे में जाते हैं आपको अचानक कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या देख लेते हैं, क्या जान लेते हैं आप, अच्छा हम तो पढ़े लिखे हमें अक्ल है, आप छोटे बच्चे को गोद में रखो किसी के, अगर सामने वाला डिसलाइक करता है तो बच्चा पता नहीं क्या रीड कर लेगा। जिस घर में रोज कलेश के वाइब्रेशन है उस घर में बच्चे रोते हैं, पता नहीं क्यों रोते हैं, बच्चे को वहां अच्छा नहीं लगता, वो बाहर खुश रहता है। कई लोग ऐसे कहते हैं ऑफिस में यार बड़े मजे में, दोस्तों के साथ मजे में, घर आओ भाई खाने को दौड़ता है। अब क्यों है ऐसा, घर की वाइब्रेशन खराब हो चुकी है, आपकी वाइब्रेशंस उससे टकराती हैं, अपसेट हो जाते हैं, यानी आप बाहर के ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से, ईश्वर से जो भी मन का पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आपके शरीर की फीलिंग से जो वाइब्रेशन निकलती है उसी से ऊपर वाले से कनेक्शन होता है। जैसे मुन्ना का मुद्दा क्या है, मुन्ना के पास लिखा है इस आदमी को 10 करोड़ रुपए देने हैं, ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, 10 करोड़ रुपए देने हैं उसको, 10 मिलेंगे जीवन में, वो काम करे ना करे। अब अगर उसको 100 करोड़ मिल जाए तो भी 10 ही भोगेगा, 90 औरों के लिए होंगे। इन्होंने बोला कर्म कहां गया, हम काम करें कि ना करें, ये भी मजे की बात समझ लो, जितना कर्म उसने करवाना वो भी आपसे करवा के छोड़ेगा। और ये भी मजे की बात समझ लो, आप अंधाधुंध दिन रात पागलों की तरह काम करोगे तो भी काम उतना ही होगा जितना होना है। इसका मतलब इंसान करे क्या, इसका मतलब अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान रखे। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, आपके शरीर से बाहर अंतरिक्ष में जितना कुछ कनेक्शन हो सकता है वो कंट्रोल किया जाए। जैसे आप क्रोध में वाइब्रेट कर रहे हैं, आप क्रोध में गुस्सा आ रहा है तो आपके आसपास के लोग क्या करेंगे, आपकी वाइब्रेशन को रीड कर लेंगे और यही कहेंगे राक्षस आया हुआ, इस बंदे से दूर रहो, ठीक है। आप लालच में रहेंगे तो क्या होगा, आपका धन आपसे दूर रहेगा। आप प्रेम में रहेंगे क्या होगा, सब आपसे जुड़ जाएंगे। यानी हम इतनी अकल कर सकते हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन चेंज करें। मुन्ना होने नहीं देता, पर याद रखें मुन्ना मात्र 12% है, इस 12 में से ही सब निकलेगा। जैसे मजे की बात समझ रहे हैं, इस पे फिर आ रहे हैं, यहीं पर जुड़े हुए हम। ये दूध ले लिया आपने, ये दूध कितना ले लिया आपने, 1 लीटर। इस दूध में ही दही है, इसी में ही छाछ है, इसमें ही मक्खन है और इसी में घी है। पहले मक्खन फिर छाछ, भाई आगे पीछे लगा ले, इसका ये मतलब हो कि मुझे निकालना नहीं आता, इससे साक्षात तात्पर्य के मुझे निकालना नहीं आता है। तो दूध क्या है, मुन्ना है, रॉ 12% फिक्स। अब आप जिंदगी में चोट खा खा के कितने अकेमंद बनते हैं। एक होता है गुरु, गुरु है कौन, घी, ये 6% है, तभी घी कम निकलता है ज्यादा दूध से, ये दूध है वो घी है। आपके दूध में ही, मुन्ना में ही ज्ञान छुपा है, इसी में थोड़ा ज्ञान, सेमी डिलक्स ज्ञान, इसी में डिलक्स ज्ञान, इसी में एग्जीक्यूटिव ज्ञान, कमरों के हिसाब से मैंने बता दिया है, इस दूध में ही सब छुपा है। आप इतना पिटते हैं तो अकलमंद होते हैं, मुन्ना सिर्फ पिटाई पे रुकता है। तभी मैंने बताया ना, पापा पहले डांटते हैं, सिंपल बोलते हैं, फिर डांटते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं। अब आपने अकल ले ली एक थप्पड़ खा के, आप ज्ञानी हो गए, अगली बार आप स्पाइडरमैन की कॉमिक ऐसे नहीं सुन पढ़ेंगे, आप नया तरीका ढूंढ लेंगे, आप चोरी का नया तरीका ढूंढ लेंगे, ज्ञानी हो गए ना। करना तो मन नहीं है लेकिन ज्ञान के थ्रू करना है, अकलमंद होके, समझदार होके, अपने आप होता है, होना फिर वही है जो होना है, होए वही सो राम रची राखा, ठीक है। इस दूध में सारे ज्ञान छुपे हुए, हमारे मुन्ना में ही सारे चीजें छुपी है। त्याग भी मुन्ना करता है अहंकार के लिए, दान भी मुन्ना करता है अहंकार के लिए, मुन्ना ही हिप्नोसिस करता है, मुन्ना ही समझाता है, मुन्ना ही ड्रामे करता है, सब कुछ ये करता है। अगर मुन्ना मन नहीं है तो हम मर गए, याद रखें, मन मरा शरीर गया, शरीर चलता ही मुन्ना से है। अब मुन्ना के किस हिस्से से चलता है वैसा जीवन हो जाता है, होना फिर वही है जो होना है। आपको 10,000 रुपया मिला, आपको 10 लाख रुपया मिला, आपको 10 करोड़ मिला, आप सुखी हैं कि दुखी हैं डिपेंड करता है आप कहां हो। यहां शैतानी करोगे, आप पंगे लोगे,
ए जाओगे, बी जाओगे, डी जाओगे, यहां आप जान जाओगे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे 10,000 मिला मैं खुश हूं। सर प्रसन्न हूं। उसकी कीमत सबसे ज्यादा क्यों होती है? इसकी कीमत क्योंकि घी बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से बनता है। ज्ञानी का मतलब है बहुत पिटा हुआ। ऐसे फालतू में ज्ञानी नहीं होते, तभी कहते हैं ना वानप्रस्थ में जाओ सबसे पहले तो परिवार त्याग दो, छोड़ दो। बड़ी क्रिटिसाइज की जाती है इस बात को, यार कृष्ण को परवाह नहीं थी रुक्मणी की, है राधा को छोड़ दिया, राम को यार सीता छोड़ दिया, यार गौतम बुद्ध ने ये छोड़ दिया, छोड़े नहीं है, आवश्यकता आवश्यकता नहीं रही, ऊपर उठे। सर भाग्य में भी तो लेके आता है, मतलब ये भाग्य में भी, ये कह रहे हैं भाग्य में लाता है, भाग्य में तो वो लाता ही है, ये तो है ही। स्पेशल आत्माएं स्पेशल गर्भ ढूंढती हैं और बड़े देर में पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं। हाँ जी बोलिए। एक बात पूछनी है, अभी 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 जैसे पता चल रहा है कि आगे जो रिलेशन होने वाला है ससुराल में, तो वहां से भी कोई हमें मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अभी मुझे अभी ये आग लगी पड़ी है कि अभी मैं यहाँ से खुद को डिटेच कैसे करूँ, अभी मैं मुक्ति कैसे रहूँ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बच्चे की शादी होने वाली है बिटिया की, तो ये कह रही है कि ससुराल में मुझे अभी से ही आग लग गई है, और सत्य बोलती है, बहुत बढ़िया बात है कि मुझे अभी से ही आग लग गई है कि सास ससुर मेरे काबू नहीं आ रहे, या मुझे डिसलाइक करते हैं, मुझे पसंद ही नहीं करते, तो मैं शादी के बाद कैसे हजम करूंगी, रिश्ता कैसे चलाऊंगी। बड़ी अजीब बात है। मजे की बात समझिए, मन शरीर 12% है मन, लेकिन शरीर चलता इसी से, मन किया कहीं उठ के जाना है तो ही शरीर जाता है, मन किया नहीं जाना नहीं जाता। अगर किसी का मन और शरीर का तालमेल टूट जाए, इसे ऑटो पायलट कहते हैं, उस बंदे का मन तो करता है, शरीर साथ नहीं देता, शरीर नाराज हो जाता है। अब ये क्या कहानी है, आपने धीरे धीरे शरीर मिलाया, मन नहीं मिलाया, मन मिलाया शरीर नहीं मिलाया, इंपॉर्टेंट क्या है, मन मिलाओ। अब इनका शरीर मिला नहीं अभी तक, सास से ससुर से बात भी नहीं हुई है, लेकिन मन नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये जो वाइब्रेशंस है ना, वो वाइब्रेशंस अच्छी वाली नहीं आ रही है। कौन सी अच्छी वाली आ रही है? सास और ससुर है, मान लो ये सास ससुर का शरीर है, ये वाली वाइब्रेशन भेज रहा है, ऐसे ही एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं। इस वाइब्रेशन का नाम है ABC, अमिताभ बच्चन करोड़पति को यार, और ये है इनकी, इनकी वाइब्रेशन ऐसी वाली है, अब ये दोनों मैच नहीं कर रही, ठीक हो गया। अब इनका मन ही नहीं मिल रहा, इनको लग रहा है रहना बेकार है, शादी करूंगी क्या, जिंदगी बर्बाद है। तो मन को बदलो, इनका मन मान लो दही पे फंसा हुआ है, इसका मक्खन बनाओ, दही है और ये लोग क्या है, ये मक्खन जैसे हैं, वैसे सास ससुर मक्खन तो नहीं होते, बोला तो गलत है मैंने, पर मान लेते हैं शब्दों के लिए, वो ऐसे है ये ऐसी है। आपको बदलना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, चालू का चालू भैया कहां गए थे बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा भैया उनके सामने ड्रामेबाजी। हाँ जी, मतलब आप क्या ली, तो मैं क्या सजेशन दूँ, बट कांट शी लीव देम अलोन, आई मीन जस्ट लीव। इन्होंने बोला कि ऐसा कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल छोड़ दें अकेला, बड़ी कठिनाई है। मान लो परिवार में लड़के ऐसे होते हैं, पत्नी लाके घर में खड़ी कर देते हैं, कहते हैं अब तो इनको सेट कर, फिर क्या करे, वैसे तो वो दीवाना होता उसका। आवाज में इको चल रही है भाइयों, भाइयों इको चल रही है, कि मुझ पर थोपा जा, आपके ऊपर बात थोपी जाती है। अभी सब मुझसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तू अच्छी बन, हम जो गलत है वो सब गलत है, हम हमारे इन्होंने बोला कि सब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू अच्छी बन, हम तो गलत है तो है, हमें तो तू भूल जा, यही बात मैं भी कह रहा हूँ, पर मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये जैसे हैं इनको मत छेड़ो, इनको बदलने के चक्कर में पागल हो जाओगे, धीरे धीरे घर में घुसो और उसके बाद नक्शा बदलो, टाइम लगेगा, वो बाद में चलाकी से करना अलग से सिखाऊंगा, खा जाओ जड़े खोखली कर देना, मैं सिखा दूंगा। अभी की डेट में ये वाला जो है ना, ये वाली मत जाओ, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको वो बनना पड़ेगा जैसा ड्रामा वो चाहते हैं, अभिनय करो, और उनके दिल में अच्छे बनने के चक्कर में गलती से भी मत रहना। अगर ये करोगे तो वाला क्लास देखना, 50 से ऊपर जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। आपको सिर्फ अपनी जगह बनानी है और कोई लेन देन नहीं है। आप जेन्युइनली अच्छे होंगे आपको सब लाइक करेंगे, आप जेन्युइनली अच्छे नहीं होंगे देर से फिर डिसलाइक शुरू हो जाएगा। वाइब्रेशन अपने आप ट्रेवल करती है, हमारे अंदर से एनर्जी अपने आप ट्रेवल करती है, उससे कोई लेन देन नहीं है। ये आपका शरीर है, इसके अंदर सांस चल रहा है, यह शरीर फील करता है महसूस, ये शरीर सांस का शरीर है,
ये सांस का शरीर जब निकल जाता है वो आत्मा को मुन्ना को साथ लेके निकल जाता है और हम मर जाते हैं, ये शरीर निर्जीव हो जाता है, मृत। इसके अंदर सांस चल रही है, ये इमोशन है, एनर्जी इनटू मोशन। इसके तरंग के बिना शरीर फील नहीं करता क्योंकि इसके पीछे रहता है मन का कोश, मुन्ना, मन का कोश। ये अन्नमय कोश है, शरीर खा पी के बनता है, ये प्राणमय कोश है, ये प्राणायाम के द्वारा बनता है, ये मन का कोश है, ये रेडीमेड है मुन्ना। इसके कई तल हैं, ये इसका मूलाधार है, फिर आगे स्वाधिष्ठाना है, फिर अग्नि केंद्र है, हृदय है, एंड सो ऑन। अब मन में विचार आता है, यहां विचार आते हैं, ये विचार हमने सांसों के थ्रू ट्रेवल करके आते हैं, आते शरीर से हैं लेकिन अंदर चले जाते हैं, अंदर कहीं जाते हैं, अंदर हमारे शरीर के अंदर जो बिना शरीर का शरीर है मुन्ना का, मन का, वही फील करता है। हम अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, सही गलत, और ब्रह्मांड से सब कुछ जो आकर्षित कर सकते हैं, धन को, क्लेश को, परेशानी को, वो सब कुछ हम यहीं से करते हैं। अगर आपके जीवन में काम कमाई नहीं हो रही और आप ये सोचते हैं यार मेहनत तो मैं कर रहा हूं पर यार हो क्या रहा है, मैंने सच्चाई भी रखी, मैंने राम जी का पाठ भी किया, मैंने ठगा भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो इसका मतलब आपका मुन्ना आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको पता ही नहीं लगने दे रहा आप कर क्या रहे हो, बेवकूफी या गलती या गुनाह। और आप अपने आप को सही करार दिए जा रहे हो, यार मैं सही हूं, मैंने गलती की ही नहीं है। तो आपको जब तक मुन्ना से सांस पे लाके शरीर में फीलिंग डालनी नहीं आएगी, वाइब्रेशन पैदा करनी नहीं आएगी, आपको मिलेगा ही नहीं और आप भोग ही नहीं पाओगे। हम क्या करते हैं, यही रोना पिटना रोना। आप कहां रोते पिटते हैं, कभी देखा है आप रो रहे पिट रहे अंदर? मैं बड़ा स्माइल करके बात कर रहा हूं, अंदर मेरे मान लो आग चल रही है, फोन कर दूं मैं मार दूं इसको, इसने मेरे पैसे खा लिए। आप सोचिए अंदर मेरे कहीं एक मन है, एक शरीर है जो ये खा पी रहा है, रो रहा है पैसे खा गए मेरे, और बाहर मैं क्या कर रहा हूं, हाँ जी कैसे हैं सब, सुनाइए। मैं शरीर को फील नहीं करा रहा, कुड़ रहा हूं, सड़ रहा हूं, मर रहा हूं, लेकिन शरीर वो फील कर रहा है, मैं लोगों को नहीं दिखा रहा। और हो क्या रहा है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में वही हो रहा है जैसे मैं वाइब्रेट कर रहा हूं, क्योंकि अंदर तो मैं सड़ा कूड़ा हूं। छोटा बच्चा होता है, उसे बोलो हाँ बताए बेटा बड़े खुश लग रहे हैं, क्यों खुश है? नहीं पता। उसे पता ही नहीं वो क्यों खुश है। अब छोटे बच्चे को पता ही नहीं क्यों खुश है, कहां खुश है वो, अंदर खुश है। शरीर कैसा बाहर से उसका, शायद उसने बेढंगे कपड़े पहने, नाक पोंछी हुई है कोने में उसने, अब मुंह से उसके थूक की राल निकली हुई है, जो उसने केक पुडिंग खाया वो भी शायद लगा हुआ है शरीर पे बाहर, लेकिन अंदर से वो जगमगा रहा है। अंदर मन में उसके जगमगाहट है, बाहर से भी वो ऐसी एनर्जी फेंक रहा है। लोग कहते हैं आय हाय कितना गंदा है, मम्मी होती है एक रुमाल निकालती है, आंटी होती है अपनी साड़ी का पल्लू पोंछती है उसे अच्छे से, फिर चिपट जाती है आ जाएगा। ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि अंदर से कहीं एक शरीर है जो खुश है। बाहर के शरीर को सुंदर बनाने में मत लगो, ये मेरी मक्खन त्वचा, ये मैंने क्रीम लगाई, ये मैंने पाउडर लगाया, ये मैंने परफ्यूम, सब व्यर्थ। आप अंदर वाले को मुन्ना को सुंदर बना लो, एक धेले का मेकअप मत करो, बाहर से संतूर की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप जिसे दैदीप्यमान कहते हैं चमक डालो, चमक जाओ। ये क्या है, जब आप अंदर क्या है खुश, क्योंकि अंदर से बाहर सप्लाई हो रही है ना, आप बाहर से कितना सप्लाई करें अंदर कुछ नहीं चेंज होगा, अंदर से, और अंदर से ही आप बाहर जो जा रहे हैं वही शरीर पे आ रहा है, वही झंकृत हो रहा है, और वही कॉस्मोस अंतरिक्ष आपको वापस दे रहा है। इसको लेंगे अभी हम पूरा करेंगे। ये मांगेराम है, ये रिच होना चाहता है, अफर्मेशंस कहते हैं कि बार बार अच्छी अच्छी बातें बोलें, ऐसा कहें कि आप अमीर हैं, आपके जीवन में खुशियां हैं खुशियां हैं, और आपके जीवन में बाहरें आ जाएंगे, ऐसा शब्द ड्रामेबाजी की जाती है, पूरी होती नहीं, बड़े दुखी होते हैं लोग, यार हमने अच्छा कह कह के अति मचा दी। अब वो फील करना उन्हें आता नहीं, होगा वही जो फील करोगे। अब वो थॉट ला रहे हैं हम बहुत रिच हैं, हम बहुत रिच हैं, अब बहुत पैसा है, बहुत पैसा, कल्पना चल रही है। अब हम कहते हैं हम रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, काम होना चाहिए। अंदर क्या फील हो रहा है, अंदर क्या फील हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले पिछली क्लास वाइब्रेशन जरूर देखें, इस क्लास से पहले बहुत हेल्प करी मैंने, बताया कि जब आपको ये लगे ना अंदर का पता नहीं चल रहा यार क्या है, तो ना आप सिक्का लें, इस सिक्के पे बोले अगर हेड आया, ये मैंने उछाला, हेड आके गिरा ना यार, तो यार मैं रिच बनना चाहता हूं अंदर से, और अगर टेल गिर गया ना यार, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ खुजली है, कुछ दिक्कत है यार, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप में डर है, तो हम ना सिक्का उछालेंगे, खड़च, सिक्का गिरने से पहले हवा में पहले ही अंदर से मुन्ना जवाब दे देगा, वो पक्का देगा कि अच्छा अंदर तो तेरे चल रही है, साले दुनिया बड़ी कमीनी है, बड़े मक्कार लोग हैं, पैसा तो कोई देता नहीं है, है काम के लिए सारा दिन बुलाते हैं, भगवान मुझसे नाराज है, पूरी लिस्ट दे देगा बहुत लंबी, आंखें बंद कर लेना
सिक्के को देखना मत, सिक्का सिक्का। हाँ जी, बच्चे जल्दी कर लेते हैं, बच्चे तो करते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं। बच्चे अंदर ही हृदय में, तभी माँ बाप कमा कमा के कमर तोड़ते हैं और बच्चों को फ्री फंड में पैसे मिलते हैं, उनकी अफर्मेशन इसलिए सुनाई देती है। अब ईश्वर क्या कर रहा है सुनेगा, वो जो अंदर फील इमोशन एनर्जी मोशन में क्या अंदर क्या चल रहा है, अंदर ये चल रहा है साला बुरा हाल है आपको है, कोई अफर्मेशन देते हैं प्यार मिले, एक लड़की कहती है यार प्रेम मिले जीवन में, अब वो क्या करे प्रेम मांग रही है, हे ईश्वर प्रेम दे, मैं फील कर रही हूं मैं प्यार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारी दुनिया में प्यार ही प्यार है, सुंदर है फूल गुलाब का चंदा मामा दूर के, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है उसको। अरे ये सब चांद और फूल प्रेम में चाहिए होते हैं, हाँ मुन्ना आ जाता है। अब सिक्का उछाले कि असल में क्या कहानी है, सिक्का ऊपर उछाला नीचे हेड है टेल है नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो अंदर टेल के डर से मुन्ना फट बता देगा, अंदर से आवाज आएगी एक तो मैं पहले जैसे सुंदर नहीं लगती, मुझे कोई प्यार कैसे करेगा, उसके अंदर की वाइब्रेशन ये चल रही है कि उसके जीवन में वो प्यार के लायक नहीं है, इसलिए उसको प्यार नहीं मिलेगा। लोग मुफ्त में अमीर क्यों बनते हैं, ऐसे ऐसे बावले हैं, उनकी वाइब्रेशन का खेल है, वो अंदर भी वही फील कर रहे हैं जो बाहर है। अब कहते हैं लोग सोचो 5 करोड़ का बंगला है, एक बंगला बने न्यारा, भाई साहब एक गाड़ी है यार पॉश खड़ी है, भाई पूछो मत, हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी बना लेते हैं अपना सब कुछ, औकात से भर जाते हैं। अब जब ये सब मिलता है फील करें, फील कर रहे हैं आप है, आप फील नहीं कर रहे हैं, आप सहज नहीं है। जिसके पास हेलीकॉप्टर है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, स्विमिंग पूल है, वो क्या फील कर रहा है, वो नॉर्मल है, फील कैसे कर रहा है वो, उसे कोई थोड़ी होता है कि अपना हेलीकॉप्टर देख के कहता बल्ले बाबे 5 रुपए दे प्रसाद इच पट गया तूते, उसे कुछ फीलिंग नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं, वो नॉर्मल है, बिल्कुल सहज है। जो मम्मियां ये सहज है कि मेरे बच्चे ठीक कर रहे हैं, ठीक करेंगे, चाहे माता रानी का नाम ले, पिताजी का नाम ले, देवता का नाम ले, शिव का नाम ले, लेकिन वो सहज है, सब बढ़िया करेंगे, उनके ठीक होता है। और बाकी मम्मियां कहती हैं दे पैसा दे ये वो, मैं ये भी दे दूंगी वो भी दे दूंगी, अच्छा होना चाहिए। मन में क्या चल रहा है, अंदर इमोशनल बॉडी क्या कह रही है, अंदर मुन्ना की बॉडी क्या कह रही है, हाय खराब ना हो, हाय बड़ी बेइज्जती हो जाएगी दुनिया के आगे। तो कॉस्मोस में क्या वाइब्रेशन जा रही है, खराब और बेइज्जती, तो सब करने के बाद में भी उनकी खराबी और बेइज्जती ही होती है। आप अंदर की बॉडी ठीक करना जानते ही नहीं, अंदर की बॉडी में जो चल रहा है वहीं से काम हो रहा है, यहां विचार थॉट्स चले, यहां इमोशन आई और फीलिंग यहां से जनरेट, ये कॉस्मोस में गया और वही काम होगा, और फिर जो भी होगा मुन्ना करवा रहा है। अब मैंने आपको ये सब बकवास सुनाई, अगर आपने इसमें से पकड़ ली तो ज्ञान हो गया, और नहीं समझ आई तो बॉडी को मुन्ना क्या करेगा, सोजा सोजा स्पाइडरमैन की कॉमिक देखेंगे, शाम को बढ़िया धांसू से गाने लगाएंगे हम, उसमें आंख खुलेगी, क्योंकि मुन्ना अपने अंदर से दही मक्खन घी निकालने ही नहीं देगा, क्योंकि फिर इसके मन की कैसे होगी। एक छोटा बच्चा कसम खा के गया दुकान पे, पापा मैं टेडी बियर लूंगा टॉय शॉप से, अब उसके पापा ने उसको वेल सेटल्ड ट्रेंड कर रखा है, बेटा तुझे जो चाहिए ले लेना, टेडी बियर क्या कुछ और भी ले लियो। अब वो कहेगा यार ले लेंगे फिर कभी और ले लेंगे, कभी और ले लेंगे, वो जाता है दुकान पे टेडी बियर ले लेता है, थोड़ा सा मन मचला तो एक घोड़ा भी ले लेता है, खरा जाता है। अगर आपने उसको ये बोल दिया बच्चे को खबरदार टेडी बियर के अलावा कुछ भी नाम लिया, अब कहता कैसे ना कैसे इस बाप का डेबिट कार्ड चुरा लूं, नोट खींच लूं, साला पूरी दुकान खरीद के आऊंगा, और वो वहां से एक टॉय चुरा लेगा। आप जितना ज्यादा मन को रोकेंगे, दबाएंगे, लड़ेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा ये विद्रोह करता है। मन हमारे अंदर रहने वाला एक दूसरे ग्रह का प्राणी है, ये हमारा नहीं है। हाँ जी, आदत बिगड़ जाएगी, ये कह रहे कि आदत बिगड़ जाएगी, अभी अभी इन्होंने बोला आदत बिगड़ जाएगी, इनकी वाले की जरूर बिगड़ेगी, इसको समझो अभी समझो, ये ही समझो, यही समझना आज की क्लास में। जिस जिस मम्मी ने ये कह दिया हाँ बिगड़ जाएगी, बिगड़ गई, और जिस जिसने कह दिया हमने छोड़ दिया जी, बस उसका हो गया। अब अर्जुन कहता कृष्ण से यार तेरे 3 दिन हो गए लड़ते लड़ते, कोई ज्यादा नहीं हो रहा तेरा इशारा असर, असर तो कुछ होना रहा, तेरा दिमाग खराब किया तूने 3 दिन पहले मेरा, है इतने बंदे मरवा दिए, तो हो गया था कृष्ण का फिर घंटाधार, छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना। आपने आपके जीवन में समझे, मैं कमांड बताता हूं ईश्वर से मांगने की, कमांड का तरीका क्या है, वाइब्रेशन कौन सी डालनी है, याद रखो भगवान के हाथ में क्या है, ये ईश्वर सारा यहां पर रहता है हमारा नाभि गॉड 4%, इसके पास क्या क्या है, मन से भी आगे की बात है ईश्वर, मन जो मांगता है वो है जो मन को भारी लगा, ईश्वर वो देता है जो मन भी नहीं मांगता,
बड़ी हैरानी की बात है, मन के मांगे भी बहुत कुछ मिला हुआ है हमें, हमें सांस चल रही है, हमारी जीभ पे स्वाद है, हमारी आंखें खोल के दिखता है। मन ये कभी नहीं मांगता, मन को पता ही नहीं सांस चल रहा है, मन ऑन ही तब जब सांस चल रहा है। यानी कि हमारे जीवन में जो जो भी हमारी नीड है, जरूरत, वो मुन्ना से परे है, वो उसकी वाइब्रेशन ऐसी है जो ईश्वर पूरी करता है डायरेक्ट। जैसे बच्चे को घर में पापा कहते हैं ओए तुम्हें डॉक्टर बनना है, मेरा मन है तो डॉक्टर बने, अब वो बच्चा चाहे बने चाहे ना बने, उसे रोटी कपड़ा खाना पीना चीजें रहना सब कुछ मिलता है, अच्छा या बुरा वो नेचुरली मिलेगा, वो नीड है। एक जरूरत होती है कि ये तो चाहिए यार, इसके बिना तो फिर बात ही बेकार है, वो नीड है हमारी, नीड हमेशा पूरी होती है। जिस व्यक्ति की नीड है, कई लोग कहते हैं गर्मी भाई हमारे तो भाई एसी चाहिए, हमें तो नीड है भाई, जरूरत है, हे भगवान एसी दे दे ये चाहत है, एसी चाहिए ये नीड है। इसको ध्यान से समझे जरा, एक्सप्रेशन का फर्क है। चाहिए उनके घर में एसी होंगे और लोग आके कहेंगे हे भगवान कितना बिल आता होगा इनके, ये तो सारा दिन एसी के बिना रह नहीं सकते, इतने नखरे बाज हैं, उनके बिल भी निकल आते हैं। उनको जो जो चाहिए वहां वो भी रो रहे हैं और जो जो उनकी जरूरत है वो पूरी हो रही है। तो जिसकी जरूरत है ना, सब कन्याएं समझ ले सब बात, मुझे जरूरत है एक बार फ्रेंड की मिल जाएगा, हम नखरे नहीं चलेंगे, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना हमारे नखरे कौन करता है मुन्ना, ये जेन्युइनली समझे हैं कि आप नखरे कर रहे हैं, ऐसा है मुझे बॉयफ्रेंड तो चाहिए, मैं इसे फैब्रिकेट कर दूं, हाँ जरा इधर छेनिया थोड़ी लाना, ये टक टक टक, ये ऐसा हो वैसा हो ये हो वो, ये जरूरत नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, हम सांस लेंगे पहाड़ों पे सांस लेंगे, शहर में आती मौत। आपने अपने जीवन की जरूरत निर्धारित नहीं की। अमीर कौन है जो अमीर बन जाते हैं, हमारे इंडिया में थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, फॉरेन में जो इतना पैसा है उनके इंडिपेंडेंस बहुत है, वो मरने देते हैं फिर वो कहते हैं दफा करो, दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम अलग है क्योंकि वो उसको इतनी बड़ी चीज को जरूरत भोगने के बाद उसके आगे फिर जाने लग जाते हैं, वहां पिटाई उनकी होती है। अब वो कहते हैं ऐसा हाँ आ जाएगा नो प्रॉब्लम है हो जाएगा, और वो हो जाता है और हम यहां घिसते रहते हैं, हमारे यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिक रहा है, फॉरनर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिक रहा है, $1 अ डे आप सब्सक्राइब करें, क्या हो रहा है ये, क्योंकि हम लोग अपने अंदर परिवर्तन चाहते नहीं। और ये ज्ञान यहीं से चला है, हमारी जरूरत होनी चाहिए, मेरी जरूरत है यार। आप देखेंगे एक बंदा मेरे पास आते हैं, लोग दुखी है यार, काम नहीं चल रहा, एक महीना दो महीना छह महीना साल दो साल पांच साल से काम नहीं चल रहा, रोटी कहां से चल रही है पता नहीं, कहां से चल रही है, उतना आ जाता है जिसमें खर्चा भी पूरा हो रहा है, ऑफिस का भी पूरा हो रहा है, स्टाफ भी निकल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, इच्छा ही पूरी बात, इच्छा वाला काम नहीं पूरा हो रहा। अब इच्छा क्या है, वॉन्ट है, वॉन्ट क्या मुन्ना का, क्योंकि मुन्ना कहता है यार अब टॉय शॉप पे आ गए भाई, अब अपन को ना इस टॉय से काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए चाहिए, ये तो पापा देंगे, ये तो आ ही गया, अब तो यार अपने को टॉय भी चाहिए, ट्रेन भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, बाईसाइकिल भी चाहिए, उल्टा मैं तो कहता हूं ये जो दुकानदार है इसका भी मुझे एड्रेस चाहिए। अब ये वॉन्ट्स है, इस पे पिटाई होती है, तीन सेक्शन जो बताए मैंने, लास्ट में एक्सीडेंट तक होता है। लालच भी बोल सकते हैं, इन्होंने बोला इसे लालच भी बोल सकते हैं, मन के पास लालच भरपूर है, जब वो दुकान पे आता है जमीन पे धरती पे आता है तो लेन देन भूल जाता है, वो कहता और उसके और खत्म नहीं होते। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपकी आपने जस्टिफाई कर दिया इस चीज को कि आदत डिफाइन किया था, ये भी मुन्ना कर रहा है। मुन्ना का दो सबसे जरूरी काम है, एक तो सेल्फ इंप्रेस्ड, दूसरा जस्टिफिकेशन। मुन्ना कहता मैं गलत ना हो सकूं, मैं गलत हुई, आप अपने आप मन में बैठ के सोचें, आपका कोई दुख है उसको आज विचार करें, पांच मिनट बैठे ये हुआ मेरे साथ, किसने क्या किया, अच्छा एक चुन लिया हमने किरदार चुन लिया, ये वाला मामा था इसने हमें दुखी किया, इसने मुझे बहुत दुखी किया, आप देखेंगे 15 मिनट के एपिसोड में सिर्फ उसी ने गलत किया, आपने किया ही नहीं है। आप अपनी एक गलती निकाल के दिखा दो, अब आप सोचो ये जो ड्रामा कर रहा है ना कल्पना का, ये मुन्ना कर रहा है, ये मेरा बेवकूफ बना रहा है साला, ये मुझे हकीकत जानने नहीं देगा और मुझे ठीक नहीं करने देगा जिंदगी, यही मेरा बेवकूफ बना रहा है। और मजे की बात, जब जीवन खराब होता है शरीर खराब होता है तो मुन्ना भी रोता है और हम भी रोते हैं, अच्छा अब इसको शरीर की भी जरूरत है, इसको जीवन की भी जरूरत है, फिर ये हमें जीवन में दुखी क्यों करता है, ये फिर वो छोटे बच्चे पर जाओ, छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा ये काम करेगा, हाँ नहीं पहले मुझे टॉय दो, वो एक खपड़ पड़ता है और कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब वो खाना नहीं खाएगा, अपने शरीर का नाश करेगा और पापा मम्मी को भी पनिश करेगा। मुन्ना वो बुद्धि है जो हमारे खुद का भी नाश करा देती है, हम स्वयं भी बर्बाद होते हैं, दूसरे को भी करता है वो। मुन्ना को समझे कौन सा बेवकूफ है ये हमारे अंदर रहता है। एक शत्रु है आपसे लड़ने आया, उसने घटा खोदा,
आपके पास गया घूमा फिरा स्टाइल में डे म्यूजिक लगा सकते हैं आप डे फिर आपको धक्का दे दिया गड्ढे में आप गिर गए मर गए। मुन्ना कौन है? वो आएगा साथ आएगा वो पकड़ेगा आपका हाथ गले पकड़ेगा हाथ जोड़ेगा कहेगा तू मेरा भाई है तू मेरा भाई और गड्ढे में कूद जाएगा आप भी गिर जाओगे खुद तो मरेगा ही पक्का आपको पक्का मारेगा। इसीलिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर ही ये मन रहता है हमें गुस्सा दिलाता है हमें क्लेश दिलाता है हमें भी तंग करता है हमारी ऊर्जा घटाता है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हमारी गलत वाइब्रेशंस दौड़ाता है। जिस व्यक्ति ने चैतन्य होकर 6% ये बुद्धि है चेतना की बुद्धि इसने जान लिया यानी मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं क्या बेवकूफियां कर रहा हूं मैं किन चक्करों में फंसा हूं एक तो मुझे मेरी गलती और कमी नजर नहीं आई। आपको रियलिटी चेक करना है कि आपकी कमियां नजर नहीं आती अपने फोन पर ध्यान दीजिए आजकल फोन रिकॉर्ड हो जाते हैं दोस्त को फोन करो वो पूछेगा हेलो हाँ और भाई क्या चल रहा है ठीक है यार चल रहा है सही। अब 15 मिनट में आप जो उससे बात करेंगे उसको दोबारा सुने बाद में आपने क्या कहा होगा उसको वो कहेगा फिर तेरे काम का क्या हुआ आप कहेंगे क्या करें यार ये दुनिया इस हाले ऐसे हैं लोग पेमेंट ही नहीं देते यार टाइम से यार मेरी गलती कहाँ है मेरी गलती कहीं है वही पेमेंट नहीं देते अच्छा फिर उस फिर अगला डायलॉग भरा फिर तेरे उस ऑर्डर का क्या हुआ अबे यार मैं क्या बताऊं इतना झूठ बोलती है ना दुनिया इतने गंदे हैं ना लोग भाई एक बंदा नहीं जो कमिटमेंट पूरी करे हमें देखो यार हम जो एक बार बोल दिया वो करके छोड़ते हैं फिर नहीं समझ आ रहा क्या गलती अच्छा वाइब्रेट क्या कर रहे हैं आप आपकी कमांड्स क्या जा रही हैं पहली कमांड आपकी गई है दुनिया बहुत गंदी है ऊपर वाले ने सुन लिया है आपको गंदे वालों से मिलवाएगा फिर दूसरी बार में आपने क्या बोला है यार ये पैसे मार लेते हैं साला किसी का दीन ही माननी है आपको सारे वो ही मिलेंगे जिनका दीन ही माननी है जो जो मम्मियां ये बोलती रहती हैं फिर तीसरा आप आगे बोल रहे हैं लगातार आप ये बातें बोल रहे हैं और जो जो बोल रहे हैं याद रखें जो बोल रहे हैं ये मन में था ये सांसों में गया और ये मुंह से निकल गया वो कॉस्मोस से कनेक्ट हुआ है जो सिर्फ मन में था सांसों से नहीं गया बॉडी ने फील नहीं किया वो नहीं गया आप मन में सोचते हैं ना मरी जाए इससे मरी जाए खत्म ही हो जाए इसका तो खून हो जाए ना आपने बोला है ना फील किया है नहीं होता। आपने शब्द दिए अभी शब्द देने का मतलब झंकृत हुई है वाइब्रेशन अभी कॉस्मोस में वो वाइब्रेशन फीलिंग बनी है वो होगा और आप सारे टाइम यही बोलते हैं क्या साला कोई काम नहीं बनता कोई सेव कर ही नहीं है यार कुछ हो ही नहीं रहा यार मेरा तो। एक विंबलडन का प्लेयर था उसको 1963 में हार्ट ऑपरेशन हुआ और हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान उसे एड्स हो गई। अब उसको एक फैन ने लिख के भेजा कि यार तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वो तो इतना घमासान आदमी है इतना दान करता है इतना बढ़िया खेला दुनिया में नाम हुआ सिर्फ तेरे को ईश्वर ने चुना लगता नहीं तेरे साथ ईश्वर ने अत्याचार किया ये सच्ची घटना है। तो उसने ये लिख के दिया उत्तर कि जब मैंने विंबलडन टेनिस खेलना शुरू किया तो 5 करोड़ लोगों ने टेनिस खेला होगा उन 5 करोड़ में से 50 लाख लोग थे जो खेल सके उन 50 लाख में से 5 लाख थे जो कॉम्पिटिशन में जा सके उन 5 लाख में से 50,000 थे जो विंबलडन के लिए आ सके उन 50,000 में से 5,000 थे जो अलग अलग विंबलडन में खेले उन 5,000 में से 50 होंगे जो मेरे साथ पूरे के टूर्नामेंट में खेले उसमें से 4 सेमीफाइनल और 2 फाइनल आखिर में मैं जीता। अब तो मैंने ईश्वर से कहा नहीं कि मैं क्यों अब मेरे साथ बीमारी है तो मैं कहूं मैं क्यों वो परमात्मा जानता है। गलती हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम बेवकूफी करके अपने चाहने के तरीके को भूल बैठे हैं। कभी तो कहते हैं यार ये अमीर क्यों बने जा रहा है अमीर बनने के बाद वो वैसा ही रहा जैसा पहले था वाइब्रेशन चेंज नहीं की और बोले यार बड़ा अमीर बन गया जमीन पे आ गया वापस अमीर होते ही वाइब्रेशन चेंज हो गए। इन्होंने पूछा है हम लग्जरी को नीड में कन्वर्ट कर सकते हैं मैंने जो बताया बॉयफ्रेंड मिल जाए ये लग्जरी ही है इसे नीड बता के बताया कि एक बॉयफ्रेंड फंस जाए मोना फंस जाए तो हमने पहले बता रखा है तो बॉयफ्रेंड नीड होनी चाहिए पैसा नीड होनी चाहिए हमारे वांट नीड डिजायर डिजायर वो वाली नीड है जो सपनों में है वांट वो वाली नीड है जो हम एड ऑन करके सोचते हैं हाँ ये लग्जरी है। आप फिर समझ लेना उन्होंने बहुत प्यारा प्रश्न किया है कि लग्जरी चाहिए एक आम व्यक्ति के पास लंबी गाड़ी 2 गाड़ी होंगी वो कहेगा लग्जरी है यार जिसके पास ऑलरेडी 4 गाड़ी है ना उसको उसमें लग्जरी नहीं दिखती इसलिए उसके पास 4 है। ये जेन्युइनली समझ लो हम फील क्या कर रहे हैं जिसपे 20 गाड़ियां शेख हैं दुबई में रहते हैं उनके पास फरारियां हैं अब फरारी है वो कहते हैं फरारी बोले यार नई फरारी लाएगा एक और लाएगा लग्जरी नहीं है वो फरारी वो उल्टा लग्जरी जेट ढूंढ रहे हैं उनको जेट की तड़प है उन्हें जेट नहीं मिल रहा वो भी दुखी है ये फरारी का अचार डालो मोहिनी अंब दे अचार वर्गी लग दिए मैंने मुझे जो चाहिए वो जेट चाहिए उसका जेट नहीं आ रहा उसके लिए तो वो लग्जरी हो
हाँ तभी तो कह रहा हूँ, लग्जरी में जो जो नीड जिस जिसने बना ली वो उसके पास है। आप घर लेते हैं, आप कहते हैं क्या घर है मेरा, क्या रहते हैं, किश्ते नहीं निकलेंगी उसकी। लग्जरी का मतलब समझो, लग्जरी नीड के ऊपर वांट है, चाहत, उसके ऊपर डिजायर है, सपने, उसके ऊपर लस्ट है, पागलपन। जो चीज एड ऑन कर लेते हैं दो दो पॉइंट के बाद, वो हमारे जीवन के अंदर लग्जरी बन गई। हाँ जी, आपका प्रश्न था एक, हाँ इन्होंने पूछा था बीच में, अभिनय जेन्युइन कैसे हो सकता है? अभिनय जेन्युइन नहीं होता, लेकिन मुन्ना इतना बुद्धू बेबी है और इतना ताकतवर भी है कि अभिनय से उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। मन जो है क्या करता है, सपने देखते ही पागल हो जाता है। एक बहुत सुंदर लड़की है, उसको मन क्या बताता है, तो सुंदर नहीं है। वो जाती है शीशे के आगे और शीशा उसे कन्फर्म कर देता है, रसीद काट के, ये लो बहन जी बिल्कुल सुंदर नहीं। अब वो क्या करती है, अपना मेकअप बॉक्स निकालती है, चीजें निकल के आती है उड़ती, मैं म्यूजिक के साथ बता रहा थोड़ा अच्छा है। फिर ये उठाया, ये पकड़ा, ये पाउडर लगा, लाली लगा, ये लगा, फाला मस्कारा फस्कारा क्या क्या लगता है, सब कुछ लगा, लोगों सेट कर दिया, फिर वो अब देख रही है मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं। अगर शीशे ने अभी नहीं बताया ना तो एक घंटा और लगाएगी, सारे कैसे नहीं बोलेगा, शीशा एक घंटे में थक जाता है, कहता है सुंदर कोई है, तू महासुंदर है, तेरे मुकाबले का, तेरे टक्कर का तो लड़का ही नहीं बना कोई धरती पे। अब वो अंदर सोचती मेरे जैसे के लिए लड़का बना कहा धरती पे, 10 साल बीत जाते लड़का नहीं मिलता, 10 साल बन जाते लड़का नहीं मिलता, फिर एक भैंसे के सिर जैसा बंदा होता है जिसके साथ वो सेट हो जाती है। ये फैक्ट है, इन्होंने बोला क्या पता वो उसका भाग्य हो। अभी अभी मुन्ना ने भाग्य के अंदर से सबसे गंदी चीज निकाल के दी है। हम सहज नहीं है, तभी तो कहते कहीं पता कितनी बहन जी सी थी वो, बहन जी बिल्कुल बात करने की अकल नहीं, यार क्या हीरो मिल गया उसे, यार क्या राजकुमार, ये क्या है यार, ये भगवान यार सुनता क्यों है, भगवान बहरा है क्या, भगवान सच में बहरा है। वो कहता है ऐसा है, तुम जो महसूस करोगे ना सत्य, भक्ति क्या है, भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है, दी एंड, बिल्कुल एंड, यानी आप अंदर झंकृत हो गए, मेरा भक्त थी क्या भक्त, कृष्णमय हो गई, उसे कृष्ण चाहिए ही नहीं, अंदर ही कृष्ण पा लिया, उसे कृष्ण से लेना नहीं देना नहीं, कोई भाड़ में जाए कृष्ण, अंदर ही कृष्ण है, झंकृत हो गया। जब इतना कृष्ण अंदर आ गया तो चाहिए किसे, आप वाइब्रेट कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे, आपको कृष्ण ही मिल गया, आप वाइब्रेट कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी पे, वही आपको मिल गया, आपने जीवन में अंदर जो फील किया है वही तो हो रहा है, फिर क्या गुना हो रहा है, फिर भगवान को हम कह रहे हैं जय राधे हे कृष्ण, हे राधे कृष्ण फलाना ढिमकाना, ये सही है सुनता नहीं, जय श्री राम जय श्री राम साला ये भी नहीं सुनता, फिर जय माता झंडे वाली कोई नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता, आपके घर में बाप है माँ है, उनको बोलते ना, बच्चे कहते हैं मम्मी चोट लग गई, मम्मी भाग के आती है सुनती है, पड़ोसी को बोलो सब सुनते हैं, आम आदमी सुनता है, और जिनको भगवान ने एक जन्म में अरबपति बना दिया उनकी कैसे सुनता है, सबकी सुनता है वो। अब आप मंदिर में मूर्ति के आगे भजन कर रहे हो, अंदर कुछ और फील कर रहे हो, 4 घंटे में भगवान ने टेस्ट पास नहीं किया तो बदल दोगे, नया भगवान ले लोगे, आपके भगवान कैसे सुनेगा, बहरा है वो भगवान है, उसे सब पता है, वो माँ उसे सब पता है, और आप फील क्या करते हो, आपकी फीलिंग ही दूसरी है, आप सारा दिन घर में दुखी हो, मैं ये नहीं देख सकता, मैं वो नहीं देख सकता, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी पत्नी को हो रहा है, बच्चे को हो रहा है, मैं तो ये बंगला बनाऊंगा न्यारा, फील तो कुछ और कर रहे हो, मांग कुछ और रहे हो, कहां से होगा, वो भगवान अंदर बैठा है, क्या कर रहा है, सांस ले तो रहा है, और सांस लेने के लिए आज तक हमने कभी कुछ किया ही नहीं यार, और ये उसकी कमांड में, उसकी मर्जी है, जब मर्जी कहेगा आओ, धागा खींचा है, नीड, हमारी हर नीड पूरी होगी, मुन्ना को बाईपास करके नीड बनाओ, ₹1,00,000 महीना खर्चा है, हो जाएगा। ऐसे लोग हैं लाख लाख दो दो लाख खर्च रहे महीने को, 24 घंटे रो रहे हैं, हाय पैसा नहीं आ रहा, अब भाई जमा नहीं होता, एक 10,000 रुपए कमाता है, वो कहता है भौजी इतना पैसा कमाते हैं हमारा जमा नहीं होता, एक आता 10 लाख कमाता है, कहता है समझ नहीं आता जी, इतना पैसा आता है जाता का साला जमा ही नहीं होता, तुम फील तो फिर वही कर रहे हो, साला जमा ही नहीं होता, चाहे तो 10 कमाते हो चाहे 1,00,000 कमाते हो, कोई गई नहीं, आपके मुख से निकला एक एक शब्द कमांड है, रात को सोते हुए जो जो आप फील कर गए वही सारा दिन मम्मियां रोती रहती हैं, बीवियां रोती रहती हैं, ये बड़े कंजूस हैं, बच्चा साला सुनते नहीं, आजकल किसके बच्चे सुनते हैं जी, फिर कहती है बच्चे सुनते नहीं, तुमने भजन क्वेश्चन है, हाँ जी, अगर हम जो बात करते हैं जैसे फोन पे आपने को बोलते हैं, अगर हम फील करके ना बोले, अभिनय करके बोले कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा पेमेंट नहीं आ रही, तो वो भी कॉस्मोस में जाएंगे क्या? अरे ड्रामेबाजी है ना, वो तो आपने फील ही नहीं किया, वो तो अंदर से जो मर्जी करो, हाँ
अब मैं कितनी बातें बोल देता हूँ, कितनी कितनी बकवास बोल देता हूँ, उसके बाद भी मुझे लगता है जूता नहीं पड़ा, हायर अपना पड़ जाए। अंडे मत मारना, अंडे मत मारना, अंडे मत मारना, किराए की ड्रेस होती है दिक्कत। तो ये क्यों होता है लोगों को, ये कई बार मेरे को बोलते हैं यार आप कैसी कैसी बकवास बोल जाते हो। मैं कहता हूँ यार मैं बोल ही नहीं रहा, ये कोई और बोल रहा अंदर से। आज ये भी बता देता हूँ कौन बोलता है। देखो मजे की बात, बड़ा प्यारी बात निकली है। अच्छा मेरा मुन्ना क्या करता है, मेला मुन्ना मुझे पीटियो मत मिला भाई, ये तू मुन्ना क्या करता है, वो देखता है यार क्लास होगी संडे को, यार बड़ा यार सही लगेगा यार। अच्छा कुछ लोगों की मेहरबानी है पैर वैर पकड़ लेते हैं, बाकी को मैं जिद करके करवा लेता हूँ। अच्छा पैर पकड़ लिए, ये हो गया, गले लग लिए, मुस्कुरा लिए, मुन्ना बड़ा खुश होता है, बड़ा मजा आ रहा है अंदर मुन्ना को। मेरा मुन्ना चेक करा करा, वेरी गुड, अच्छा गाने भी गा दे, वो भी गा दिए, ये भी कर दे। अच्छा मेरी शर्त क्या है, क्लास करवानी है तुम्हें, बात करवानी है मुझसे, मैंने अब ये बात सोची है, अब तू बता मेरे से वाइब्रेशन पे क्या बुलवाएगा तू। वो कहता सब खजाने खोल दूंगा मैं, चिंता नहीं कर, बहुत सारे खजाने खुल जाएंगे। अच्छा देख ले इज्जत मिलने की रखी, मैं तो वही मांग रहा हूँ, वही चाहिए, मेरे तो वही नीड है पूरी पूरी, चिंता ना कर, तेरी बेइज्जती में भी इज्जत डाल दूंगा। इतना ताकतवर है वो, इतना शक्तिशाली है मुन्ना, सब कुछ देता है। आपको लेना आना चाहिए, घी निकालना आना चाहिए, टेंशन करते रहते हैं पैसा पैसा पैसा, वो पैसा पैसा करती है भाई, पैसे पे जो मरती है भाई, पैसे की लगा दो ढेरी, जो तो हो जाए मेरी यार पूरा हो गया। एक शंका है गुरुदेव। हाँ जी। जब हम मुन्ना को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम पर प्रभाव नहीं कर पाता, क्या वो औरों के मुन्ना से परेशान कर सकता है हमें, औरों के मुन्ना से? हाँ, हम अगर अपने मुन्ना को तो जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये दूसरों से हमसे बदला लेता है क्या? ये कह रहे हैं बहुत प्यारी बात है, ये भी बड़ी मजे की बात है। मुन्ना का एक क्षेत्र और है, गगन तत्व, भूमि तत्व इसका है और गगन तत्व भी है, गगन तत्व भी इनका है। अब होता क्या है, गगन तत्व समाज दुनिया का मुन्ना है, हर दुनिया के पास मुन्ना है, मन है, लोगों का मन हमें इन्फ्लुएंस करता है, प्रेशर डालते हैं, बच्चे घर के मालिक नौकर माता पिता सब प्रेशर डालते हैं। तो हमने जब अपने मुन्ना को तो विचार करके देखना शुरू कर दिया ना, अच्छा क्या सोच रहा हूं मैं अंदर, तो मुन्ना फिर बढ़िया बढ़िया बातें सोचता है। जैसे एक बच्चे को आप देखें ना क्या कर रहा है, तो फर्स्ट क्लास पूरा साफ सुफ करके कमरा सेट करेगा, नहीं देखोगे तो खिलार मचा देगा, गंदगी कर देगा। इसी तरह जब अपने मन को हम देख लेते हैं, यार क्या चल रहा है मेरी खोपड़ी में अंदर, मैं तो सोच नहीं रहा, कोई सोच रहा है, तो वो सारे बेस्ट बढ़िया बढ़िया चीजें ला के देता है, फैंटास्टिक, एक से बढ़कर एक। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम यहां आती है, जैसे ही हमने उस मुन्ना को काबू करने के चक्कर में करा, वो हमें थप्पड़ मार देता है। अब हमने अपना मुन्ना तो लेकिन काबू कर लिया, काबू कैसे किया, काबू ना करके, कैसे, ऑब्जर्व करके, विचार करके, औरों के मुन्नों को एक्टिवेट करता है। मामा जी आ जाते हैं, बेटा ऐसा करने चाहिए लाइफ में, वैसा करने चाहिए लाइफ में, अब इसके लिए क्या करो, बड़ी चालाकी माइंड में बैठो, दिन में ऐसे ही सोच लो, मामा आएगा ये करने, चाचा आएगा वो करने, पापा जी ये समझाएंगे, मम्मी वो समझाएंगे। जैसे मैं बता दूं, एक मम्मी है रोज परेशान होती है, बेटा बड़ा लेट आता है, बेटा बड़ा लेट आता है, मैं दुखी हो गई इससे, अब वाइब्रेशन फेंक रही है वो अंतरिक्ष में, वो आता ही लेट है, वो है ही बिगड़ैल, अय्याश भी हो गया, अब होना होना पड़ेगा जो वादा किया, होना पड़ेगा, अब हो गया वो भी बेचारा। अब शाम को आता है वो क्या सोचता घर आते हुए, स्टेप वन स्टेप थ्रू, हम चार स्टेप में पूरा कर देंगे, स्टेप वन मम्मी मारेगी, स्टेप टू लड़ेगी, स्टेप थ्री फिर और बोलेगी, स्टेप फोर फिर खुद रोना शुरू कर देगी। अच्छा उनकी भी पूरा कर रहा है ईश्वर, पूरा इसकी भी पूरी कर रहा है, अब उसको क्या चलाकी करनी है, घर जाते हुए उसने सोचना है मम्मी मम्मी रोएंगी, यार मुन्ना रुलाता हूं, उनका कोई लेन देन ही नहीं है इसमें, मैं जाके मम्मी के पैर पकड़ लूंगा, मैं ड्रामे कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, हाँ मम्मी मैं भी मिल बैठ के दोनों रहेंगे, हाँ मम्मी मैं बिगड़ जाऊं, मैं फुल नौटंकी करूंगा। जिसने नौटंकी कर ली मुन्ना खुश हो जाता है, कहता मेरे मन की हो गई यार, मन की, मंकी देखा आपने, मंकी बंदर, ये मंकी और मन की एक ही बात है। इसने मन की कर लेने से मुन्ना संतुष्ट होता है, शरीर को आजाद करता है, बहुत खुशी देता है। शरीर क्या है, ये चिज्जी मिली है इसे, और बाकी गाड़ी बंगला मकान क्या है, वो भी चिज्जी है। मुन्ना इस शरीर नाम की चिज्जी और बाहर की चिज्जियों को कैसे बरकत देता है, इसकी बात करते हैं हम ब्रेक के बाद।